ऐ काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने मंदिर जले तो दर्द मुसलमान को भी हो। ऐ काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने मंदिर जले तो दर्द मुसलमान को भी हो और मस्जिद की अस्मिता पे कोई आंच ना आए। ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। यकीनन रामेश जोशी साहब ने इस मुशायरे को बुलंदी बख्शी। मैं पूरी मुशायरा कमेटी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और आइए इसी कड़ी में मैं बनारस की सरजमीन से एक और बहुत प्यारे शायर जो यकीनन इसी लहजे की तर्जुमानी करेंगे, जनाबे निजाम बनारसी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने कलाम से हम सबको नवाजे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप लोग इस्तकबाल कीजिए जनाबे निजाम बनारसी साहब का। अनिल भाई आप जा रहे हैं क्या? आपने तो वादा किया था कि हम बैठेंगे ना। हाँ कौन आता है हजरत? चलिए बगैर किसी तमहीद के एक मतला चंद शेर मुलाजा फरमाए। जी भाई इरशाद। अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए, वाह, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए, अपने इस मुल्क की अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए। क्या कहने भाई? सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए। और इसी मुलाजा फरमाए हजरत, उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी, उसकी रोजी में भला उसकी रोजी में भला बरकत होगी। जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए, जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए। और ये शेर भी मुलाजा फरमाए, जी भाई, उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है, उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है, उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है, जिसने मक्के में दुआ मांगी है भारत के लिए। क्या कहने भाई? वाह क्या कहने भाई? तालियां तो बजनी चाहिए। क्या कहने भाई? जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह। जिसने उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है, उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है,
जिसने मक्के में दुआ मांगी है भारत के लिए, जिसने मक्के में दुआ मांगी है भारत के लिए, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए। और ये शेर मुलाजा इरशाद, अपने इस मुल्क की उसको इस अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए, अदल व इंसाफ हो दुनिया में उमर के जैसा, अदल व इंसाफ हो दुनिया में उमर के जैसा, ऐसा हाकिम तू अता कर दे हुकूमत के लिए, ऐसा हाकिम तू अता कर दे हुकूमत के लिए, ऐसा हाकिम तू अता कर दे हुकूमत के लिए। और ये आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, जी भाई, भाई। जिनके दामन पे हजारों हैं लहू के धब्बे, जिनके दामन पे हजारों हैं लहू के धब्बे, पारसा बन के वो आए हैं कयादत के लिए, पारसा बन के वो आए हैं कयादत के लिए, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए। और ये मक्ता अहले स्टेज की जानिब से पेश कर रहा हूं, जी भाई, भाई। मुलाजा फरमाए, हैदराबाद की तारीख जरा देखो निजाम, हैदराबाद की तारीख जरा देखो निजाम, हैदराबाद की तारीख जरा देखो निजाम, पांच टन सोना दिया मुल्क की अजमत के लिए, पांच टन सोना दिया मुल्क की